दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव महाराष्ट्र और हरियाणा में हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में बहुमत नहीं मिली। लेकिन अब जो फार्मूला सेट हुआ है वहां पर जेजेपी और बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन अब मुसीबत हरियाणा के लिए नहीं, अब तो मुसीबत आ गई है महाराष्ट्र चुनाव में, जो कि उनके सहयोगी शिवसेना ने अब भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखा दी है। और आंख ऐसी है कि 50-50 के फॉर्मूले का फैसला इस अभी भी शिवसेना उसी पर अड़ी हुई है। 50 यानी 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री शिवसेना का होना चाहिए, और यही कारण है कि अब लगातार दबाव बीजेपी पे बनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ अब शिवसेना कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के संपर्क में भी। जी हाँ, आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन सहयोगी शिवसेना की नई सरकार में बराबर की हिस्सेदारी मांगने से भगवा दल के लिए संतुलन साधना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को भाजपा को लोकसभा चुनाव में पहले शाह के साथ बैठक में तय फार्मूले की याद दिलाई और कहा कि उन्होंने राज्य में गठबंधन के लिए 50-50 फार्मूले का फैसला लिया था। शिवसेना की इस मांग को देखते हुए कांग्रेस और एनसीपी भाजपा का काम बिगाड़ती हुई दिख रही है। न्यूज एजेंसी INS की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र कांग्रेस ने शुक्रवार को संकेत दिया कि वो शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दे सकती है। वहीं इससे एक दिन पहले ही इसी प्रकार का प्रस्ताव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल व कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद हुसैन दलवी द्वारा दिया गया था। ऐसा शिवसेना के सहयोगी व सत्तारूढ़ भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए आया है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 में से 161 सीटें जीतने के साथ ही भगवा गठबंधन ने बहुमत के जरिए जरूरी आंकड़ा आसानी से पार कर लिया है। लेकिन इस बार भाजपा की अपनी गठबंधन सहयोगी शिवसेना का निर्भरता कुछ ज्यादा है, क्योंकि पिछले बार जहां भाजपा की 122 सीटें थी, वही इस बार उनके खाते में सिर्फ 105 सीटें आई हैं। शिवसेना की सीटों का आंकड़ा भी पिछले बार के मुकाबले 63 से घटकर 56 हुआ है। लेकिन राजग सरकार की स्थिरता के लिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 44 सीटों वाली शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को इस बार 54 सीटें मिली, जो कि 2014 के मुकाबले 13 सीटें अधिक है। अगर भाजपा के साथ शिवसेना की बात नहीं बनती है और कांग्रेस एनसीपी उसे समर्थन देती है तो सीटों का आंकड़ा 154 पहुंच जाता है। ये आंकड़ा बहुमत से 9 ज्यादा है। हालांकि शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी का एक साथ आना मुश्किल है, लेकिन माना जा रहा है कि अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा बयानबाजी की जा रही है और माना जा रहा है कि शिवसेना के बड़े नेता और सांसद संजय राउत का एनसीपी और कांग्रेस से संपर्क होना, ये कहीं ना कहीं कुछ अलग ही संकेत दे रहे हैं। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत महाराष्ट्र में बढ़ गई है और अब उनको 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं शिवसेना को बनाना पड़ेगा, जो कि बीजेपी इस पर राजी नहीं है। उनका साफ साफ कहना है कि उप मुख्यमंत्री हम 5 साल के लिए बना सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हम 5 दिन के लिए भी नहीं बना सकते हैं। तो अपने आप में एक टकराहट देखने की बात होती है कि किस करवट बैठ। लेकिन महाराष्ट्र में उठापटक का दौर तेज हो गया है। इस बीच बड़ी खबर निकल के आती है। फिलहाल इस वीडियो में, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, लेकिन कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना न भूले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।